बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। रोहित शर्मा का ऐसा तूफान आया कि अफगानिस्तान की पूरी टीम हिल गई। जी हाँ, बात कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे T20 मुकाबले की। रोहित शर्मा, जिनको लोगों ने बाहर करने की बात कर दी थी कि शायद अब उनकी जगह नहीं बनती है, ऐसे में रोहित शर्मा ने तीसरे T20 मुकाबले में, जब भारतीय टीम मुसीबत में फंसी हुई थी, 22 रनों पर 4 विकेट गिर गए थे, वहां से शानदार पारी खेली और भारतीय टीम के लिए एक विशाल टोटल बनवा दिया। रोहित शर्मा ने न सिर्फ शतक जड़ा बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान 69 गेंदों पर 121 रन बना डाले। इस दौरान वो नॉट आउट रहे और साथ ही इस दौरान उन्होंने आखिरी ओवर में 36 रन भी कूट डाले। यहां पर शुरुआत में रोहित शर्मा ने पिटाई करी, उसके बाद रिंकू सिंह ने थोड़ी पिटाई करी और करीम जन्नत के ओवर में 36 रन पड़ गए। मैच की बात करें तो रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 11 चौके और 8 छक्के लगाए। रोहित शर्मा को साथ मिला रिंकू सिंह का, जिन्होंने 39 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के लगाए। अगर बात करें इस पारी के दौरान रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की, तो उन्होंने रोहित शर्मा T20 में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। उनके 5 शतक हो गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित सूर्या के नाम था, जिनके 4 थे, और ग्लेन मैक्सवेल के नाम भी 4 था, रोहित के नाम भी 4 थे, बराबर पे थे, लेकिन अब वो 5 के साथ सबसे आगे हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए भारतीय टीम की तरफ से 5वें विकेट के लिहाज से, अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी पार्टनरशिप का उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है रिंकू के साथ, 190 रनों की पार्टनरशिप का। ये रिकॉर्ड पहले विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के नाम था, जिन्होंने MCG में ये कारनामा किया था। 113 रनों की पार्टनरशिप उन्होंने कर रखी थी। वहीं अगर बात कर ली जाए कप्तानी की, तो भारत की तरफ से एज ए कैप्टन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रोहित शर्मा बन गए हैं। रोहित शर्मा के 1570 से ज्यादा रन हो चुके हैं। वहीं से पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिनके नाम 1570 रन थे एज ए कैप्टन, और इस मुकाबले में पारी खेलते ही रोहित शर्मा के नाम 1600 से ज्यादा रन बन चुके हैं। तो ये कुछ रिकॉर्ड थे जो रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान बनाए हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया को फिर से बता दिया कि भाई हिटमैन जो है वो वापस आ चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा की जो ये पारी रही कैसी रही, और आप इस पारी को कैसे देखते हैं, प्लीज कॉमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।